नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। ये स्टॉक 37 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.95% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है 10,283 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 28.1% है। बुक वैल्यू इसकी 11.60 है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में अभी देखें तो इस स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है स्टॉक। एंड अभी रिसेंटली इसको आरबीआई से पेमेंट गेटवे के भी अप्रूवल मिला है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। सो अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक में आज देखा गया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, एंड कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। इसने दिया है आज लगभग 1% का अपमूव एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के यहाँ पे खड़ा रहा है। सो बेसिकली इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 36 पे आता है, एंड अभी ये रेजिस्टेंस है 38.15 की, तो वहीं से ये कहीं से रिजेक्शन लेके अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी एंट्री के पॉइंट से देखें तो एंट्री के पॉइंट से देखने के लिए हम चलेंगे एक बार बीएससी पे। तो बीएससी पे इसका प्राइस बैंड है 20% का, एंड न्यूज़ एज सच बीएससी पे कोई है नहीं जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में कोई फर्क पड़ेगा। सो अभी के लिए टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को वॉल्यूम आया था 75 मिलियन का, एंड आज जो है वॉल्यूम आया है 62 मिलियन का। वॉल्यूम कम हुआ है ऑफकोर्स, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि यहाँ का सपोर्ट जो है इसने काफ़ी स्ट्रांगली सस्टेन किया हुआ है। एंड होपफुली इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे बाकी स्टॉक्स में गिरावट आई है उस तरीके से देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है इसका 33.75, मतलब 33 और 34 के बीच का जो स्टॉक है ये काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे सस्टेन किया है इसने, एंड बाकी स्टॉक्स के मुकाबले इसमें काफ़ी कम गिरावट आई है। तो अभी मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टॉक है 36 वाला, ये इसने स्ट्रांगली यहाँ पे होल्ड बना लिया है अपना, एंड होपफुली इसमें आगे की अच्छे हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए बात करें तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि निफ्टी भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, एंड निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो चाहे स्टॉक कितना भी स्ट्रांग हो उसमें फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी इलेक्शंस भी हैं, उसके करके भी हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री ज़रूर बनाई जा सकती है। आरएसआई के पास भी काफ़ी रूम है अभी, एंड वीकली आरएसआई एक बार चेक करें तो वीकली आरएसआई इस टाइम पे 68.71 पे है। थोड़ी सी हाई है बट स्टिल इसकी हाई ही रहती है। यहाँ पर देखें तो हमने काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा संभल के ऑफकोर्स चलने की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं शॉर्ट टर्म की, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं तो 31 मार्च तक मुझे लगता है कि ये यहाँ तक के हमें मूव दिखा सकता है, जो कि बनता है 8% के आसपास, 8-8.5% के आसपास। एंड मैं 40 तक के मूव की उम्मीद कर रही हूँ अगर मार्केट साथ देती है तो। बेस्ट केस सिनेरियो की होती है एनालिसिस, क्योंकि क्रैश का एंड एवरीथिंग का किसी को पता नहीं होता है। एंड इस क्वार्टर के एंड से पहले मुझे लगता है, जब इस क्वार्टर का एंड 31 मार्च को एंड होगा एंड रिजल्ट आने से पहले मुझे लगता है कि ये जो हाई इसने टच किया था अभी मार्च 11 को, मुझे लगता है कि इसके आसपास तो डेफिनेटली ट्रेड करता हुआ हमें ये दिख सकता है। तो वहाँ के लिए देखें तो हमें इस टाइम पे चाहिए लगभग लगभग 15-15.5-16% के आसपास। तो मुझे लगता है कि 31 मार्च को जो एंड होना है क्वार्टर रिजल्ट से पहले पहले, ये 42 के आसपास, 42-43 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलें, एंड मुझे लगता है कि अभी मेजर स्टॉप लॉस जो है वो बना हुआ है 33.60 का। अगर स्टॉक इससे नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि मेजर सेल 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 का जोन आ जाएगा। एंड अभी ये सस्टेन करता है जब तक ये 35-36 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक के लिए ये स्टॉक मुझे लगता है स्ट्रांग है काफ़ी, एंड इसमें मूव अप मूव देखे जा सकते हैं। अगर इससे नीचे आता है तो थोड़ा सा हमें शॉर्ट टर्म एंट्री को संभल के लेके चलना पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए तो देखिए स्टॉक वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग है। हमने वैसे 50 के इसके टारगेट रखे थे कि रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले उतना जा सकता है, एंड अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट साथ दे तो ये उतना जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो है 20% का, एंड ये भागने जब लगता है तो ये देखिए 20-20% एकदम से भाग भी जाता है एक ही दिन में।
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 50 भी टच कर लेगा। तो बेसिकली मैं तो 50 के टारगेट लेके यहाँ पे चली हुई हूँ, बट मैं फिर भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होके एक सेफ साइड लेके मुझे लग रहा है कि 42 एंड 43 के बीच में तो ज़रूर ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।